हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस पैटर्न पे वर्क करने वाली हूँ। मैंने अपना डिज़ाइन में से इतना वर्क करके रखा है। यहाँ पे मैंने नॉट स्टिच लिया है और ये मैंने लेजी डेजी का लीफ बनाया है और बीच में मैंने बुलियन स्टिच से फिल किया है और ये स्टेम स्टिच है और ये लेजी डेजी किए है मैंने इसमें और बीच में मैंने लॉन्ग फ्रेंच नॉट बनाया है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पूरे हमारे फ्लावर में लेजी डेजी बनाकर कंप्लीट करेंगे। और ये ऊपर से हम इसे फिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसे नीचे फिक्स करके लॉक लगा देती हूँ मेरे ढाका को। ये मैंने मेरा पूरा फ्लावर कंप्लीट कर दिया है इस तरह से। हम इसके बीच में अब लॉन्ग फ्रेंच नॉट बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से। दोनों के बीच में से हम हमें निडल को ऊपर निकालेंगे और फिर टू टाइम्स हम रैप करेंगे और जितना हमारा डिस्टेंस है उतना हम उसके हिसाब से हमारे निडल को नीचे डालकर हमारा थ्रेड इस तरह से होल्ड करके हमें निडल को नीचे से पास करते हुए निकालना है। इस तरह से फ्रेंड बनेगा लॉन्ग फ्रेंच नॉट। उसी तरह से ये दोनों के बीच में से हम निकालेंगे टू टाइम्स रैप करके। यहाँ पे रख के हमारा थ्रेड को हम इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टू टाइम्स नॉट लगा रैप करके नॉट बनाती हूँ। अगर आपको नॉट थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप थ्री टाइम्स भी रैप कर सकते हो धागे को।
ताकि हमारी नॉट बड़ी दिखती है। ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड, और मैं नीचे इसे लॉक कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये पूरा फ्लावर बन गया है, और ये यहाँ पर बीच में मैंने नॉट स्टिच से फिल किया है, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी स्टेम से उसकी बाउंड्री मैंने बना के रखी थी, और फिर उसके में उसमें मैंने नॉट फिल की थी। और फ्रेंड्स ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।